ही गाइस फाइनली यहाँ पे बहुत दिनों के बाद सैमसंग का एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे लीक्स गाइस बहुत दिनों से आ रहे थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि सैमसंग गैलेक्सी M54 स्मार्टफोन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ में कब लॉन्च होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और प्राइस क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना गाइस, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, स्पेशली सैमसंग लवर्स को, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी सैमसंग के स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा पसंद में आते हैं, बट वो कभी कभी अपने आदतों से बाज नहीं आता और बहुत बेकार स्पेसिफिकेशन और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में फ़ोन लॉन्च कर देता है, तो फिर दिमाग ख़राब सा हो जाता है। तो लाइक गाइस, आपको पता है सैमसंग गैलेक्सी F54 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। ये जो सैमसंग गैलेक्सी F54 है ना, ये अदर कंट्री में सैमसंग गैलेक्सी M54 के नाम से लॉन्च हुआ था, बट यहाँ पे इंडिया में फ्लिपकार्ट की वजह से ना इसको F54 नाम से लॉन्च कर दिया गया, और फ्लिपकार्ट सीरीज F सीरीज इसीलिए ये इंडिया में F सीरीज लॉन्च हुआ है नया वाला स्पेशली फ्लिपकार्ट के लिए। तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, M सीरीज रहने देते और M सीरीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो लाइक गाइस, आपको पता है अभी जस्ट सैमसंग गैलेक्सी M34 लॉन्च हुआ, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। उसका नॉच डिस्प्ले मेरे को नहीं पसंद, लेकिन उसके जो प्राइस वगैरह है ठीक ही ठाक थे सेल में। तो सैमसंग गैलेक्सी F54 जो कि लॉन्च हुआ था 30,000 रुपये में, उसका प्राइस जो 28,000 कार्ड ऑफर लगा के सब मिलता था, उसके बाद गाइस ये जो फ़ोन है लोगों को 23,000-25,000 ऐसे देखने को मिले सेल में। तो हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M54 लॉन्च होने वाला है, आपको देखने को मिलेगा 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, और साथ में 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट। इसमें बैटरी होने वाला है 6000 mAh का बैटरी, और चार्जर इन द बॉक्स नहीं होगा। और हाँ, फ्रंट में मिडिल पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, पीछे भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, और साथ में एक 5 मेगापिक्सल या फिर 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा। पहले गई सैमसंग 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देता था, बट कंजूसी करना स्टार्ट कर दिया इसने, और 108 मेगापिक्सल नहीं भाई, आप 64 ही दे दो, लेकिन अच्छा सोनी का सेंसर यूज़ करो, अच्छे कैमराज दो, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। 108 मेगापिक्सल नंबर्स के ऊपर हम लोग नहीं जाते, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब गाइस बात करते इस फोन में प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी F54 एक्सोनस 1300 के साथ लॉन्च हुआ है, और ये जो प्रोसेसर है अच्छा है। लाइक आजकल एक्सोनस के बहुत ज़्यादा शिकायत देखने को नहीं मिलते, जिसके पास स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, आईफोन है, सबके डिस्प्ले में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, और डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम सबसे पहले आवाज़ मैंने उठाई थी, लेकिन अभी लोगों को समझ में आ रहा है। पहले बोलता था सॉफ्टवेयर अपडेट मत करो, तो फिर भी लोग करते थे, फिर जब प्रॉब्लम आता था तो मैसेज करते थे, तो अभी सबको समझ में आ रहा है। और ये चीज़ मैंने पहले से ही लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया था, और अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते आओ तो आपको पता होगा। अब गाइस इस फोन में हम लोगों को देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, ऐसा बोल रहे हैं लोग, और ऐसा लीक्स निकल के आया, कंफर्म नहीं है, बट अगर एक्सोनस का प्रोसेसर फिर से देगा तो सैमसंग गैलेक्सी F54 लॉन्च करने का फ़ायदा ही क्या होगा। हाँ, बट सैमसंग हमेशा यही कर रहा है, एफ सीरीज में जो है थोड़े से जो लुक और डिज़ाइन उसको चीप कर देता है और उसको सस्ते में लॉन्च कर देता है, और एम सीरीज़ में क्या होता है थोड़ा सा एक कैमरा नंबर बढ़ा देता है, बैक पैनल थोड़ा सा अच्छा डाल देता है, और 1000-2000 बढ़ा देता है, और सेम एज इट इज़ सेम स्पेसिफिकेशन देता है। तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि 54 सीरीज़ के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि F54 तो लॉन्च कर दिया इन्होंने, जबकि इसको M54 से लॉन्च होना था, तो अब M सीरीज़ को थोड़ा सा और बेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि M सीरीज़ जो है वो बेटर ही लॉन्च होता है F सीरीज़ से, हमेशा से ऐसा हुआ है। भले सॉफ्टवेयर अपडेट्स पहले कम मिलते थे, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इक्वल चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 888 प्रोसेसर या फिर 870 प्रोसेसर दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है ना गाइस, तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन को ऊपर नीचे करके वही एक्सोनस 1300 प्रोसेसर इसमें दिया जाएगा, साथ में यहाँ पे वही आपको 8GB का रैम ऑप्शन देखने को मिलेगा, 256GB वेरिएंट और 128GB वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, और सिंगल रैम GB का आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा, और जो स्टोरेज है वो अलग अलग देखने को मिल सकता है, या फिर सिंगल स्टोरेज ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बस यही स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, और 25W का चार्जर आपको आफ्टर मार्केट लेना पड़ेगा। और हाँ, इसमें जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स लेटेस्ट मिलेंगे जो भी है एंड्रॉयड वर्जन, और हो सकता है ये जो फ़ोन है One UI 6 के साथ लॉन्च हो, क्योंकि One UI 6 अभी जस्ट आना स्टार्ट हो गया है, जो S23 ये सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनके फ़ोन में आज ही से आना स्टार्ट हो गया, तो शायद M54 जब लॉन्च हो तो हमको One UI 6 के साथ देखने को मिले, और एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन जो भी चल रहा होगा एंड्रॉयड 13 या फिर 14 वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। प्राइस की बात करें तो गाइस ये जो फ़ोन है अराउंड 28,000 में लॉन्च होगा,
और बाद में इसका प्राइस जब एक साल बाद सेल आएगा तो कम हो जाएगा। और अक्टूबर सितंबर ऐसे ही मंथ में हमेशा से M50 जो सीरीज है, M50, M51, M52, M53, तो ये सीरीज सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही लॉन्च हुआ है हमेशा से, लेकिन इस बार अक्टूबर भी चले गया और फिर भी इन लोगों को होश नहीं आ रहा है। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ में ये फ़ोन हम लोगों को देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट मंथ में। अब देखते हैं नवंबर में आता है या फिर नहीं। अगर नवंबर में नहीं आया तो दिसंबर के फर्स्ट वीक, उसके बाद कोई भी फ़ोन लॉन्च नहीं होने वाले, क्योंकि न्यू ईयर आ जाता है और फिर सब सोचते हैं कि न्यू ईयर में धमाका करेंगे। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आ जाना चाहिए, वरना साल चले जाएगा और सीरीज़ नहीं आगे बढ़ेगा तो मज़ा नहीं आएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस फ़ोन के बारे में, प्लीज़ कमेंट में बताना। लुको डिज़ाइन वही F54 का ही लुको डिज़ाइन लोग बोल रहे हैं, सेम एज इट इज़ रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट कर देना। तो बस गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।